हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि MI के फ़ोन में आप बेटर बैटरी लाइफ कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने सिक्योरिटी में जाना है। उसमें आपको बैटरी का ऑप्शन दिया ही होगा, ये देखिए। क्योंकि Xiaomi जो हर नया अपडेट करती है उसमें बैटरी सेविंग कुछ और ज़्यादा ही हो जाती है, यानी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। तो हमें वो अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि वही बेस्ट होती है हमारे लिए, क्योंकि जो कंपनी देती है वो बेस्ट होती है। आप कहीं और से जाके अपडेट अपने मोबाइल करते हैं वो सब ना करें, क्योंकि उससे मोबाइल बिगड़ भी सकता है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। रेडमी 3S प्राइम की बैटरी कुछ अलग है, देखिए 41 mAh की है और इधर मेरी 40 ही है, क्योंकि मैंने कहीं और से अपडेट किया था तो पता नहीं ये 1% कहाँ चला गया, यानी 1000% कहाँ चला गया बैटरी मेरी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है मेरे से। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरी बैटरी लाइफ, बैटरी यूज़ देखिए 35%, Android 10, Messenger 3, YouTube, इतनी मेरी ऐप है जो बैटरी खा रही है। हार्डवेयर भी, स्क्रीन टाइम देखिए 21% स्क्रीन टाइम मेरी खाती है बैटरी। फ़ोन आइडल 3%, ये तो बहुत कम हो गया। वाईफाई तो मैं चलाता नहीं हूँ, ये जियो जिंदाबाद है हमारे लिए, तो जियो। और ये देखिए बैटरी लेवल 31 मिनट से मैं चला रहा हूँ, और देखिए मेरी, मैं सही में बोलता हूँ, मेरी 99% थी बैटरी, और अभी मैं 31 मिनट से चला रहा हूँ तो देखिए मेरी बैटरी है 97 मिनट्स, यानी 2% मेरी चली है आधे घंटे में बैटरी। तो सोच सकते हैं अभी मेरे पास 97% की बैटरी है, तो मैं कितना चला सकता हूँ। ये देख रहे होंगे अब, बैक टाइम, स्क्रीन ऑन टाइम और चार्जिंग टाइम 0 है, देखिए कुछ नहीं बता रहा। स्क्रीन ऑन टाइम, बैक टाइम, वाईफाई भी देखिए थोड़ा है, मोबाइल नेटवर्क भी सही है सब। तो क्या मैं करता हूँ, तो जब मुझे बैटरी चार्ज करनी रहती है तो नॉर्मली ये 3 आवर्स लेता है 0 to 100 होने में, पर मैं अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे करके चार्ज करता हूँ इसलिए फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। तो मैं देखिए 100 पे भी मैंने बैटरी सेवर मोड ऑन रखा, पर इधर बोला गया है कि 60 से जब नीचे हो तभी ऑन कीजिए, पर ऑफ देखिए, ऑटोमेटिकली ऑफ, और मैंने ऑन कर दिया है। इससे मेरी बैटरी लाइफ एकदम फर्स्ट से ही, कोई भी ऐप चालू नहीं हो पाती है, इसलिए बैटरी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर आप सिर्फ गेम खेलते हैं तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप फ्लाइट मोड पे अगर करके गेम खेलते हैं, ये देखिए ये फ्लाइट मोड आप तो जानते ही होंगे, ये है फ्लाइट मोड, ये देखिए यह है फ्लाइट मोड। अगर आप इस पे करके खेलते हैं तो आपकी बैटरी बहुत कम जाएगी, क्योंकि नेटवर्क जो आपका ये 4G मोबाइल है तो ये बहुत ज़्यादा ही बैटरी खाता है। इसीलिए देखिए इधर इधर बैटरी में नेटवर्क टाइम भी रहता है, देखिए नेटवर्क टाइम ये ऑन हमेशा रहता है, यानी माई डबल बैटरी। यहाँ देखिए सेटिंग में ये भी रहेगा, हम यहाँ सेटिंग में जाते हैं, सिम, फिर 4G सिम, मोबाइल नेटवर्क, तो ये देखिए 2G, 2G ओनली, 2G सेफ बैटरी, 2G पे अगर हम रखते हैं तो सेफ बैटरी, यानी कुछ ज़्यादा मोबाइल नेटवर्क नहीं लेता है, यानी 2G पे अगर हम रखते हैं तो बैटरी बहुत ही कम जाएगी। तो आप 2G पे अगर आप ज़्यादा नेट यूज़ नहीं करते हैं, अगर मोबाइल के गेम के शौकीन हैं, अगर ऑनलाइन खेलते हैं तो अलग बात है कि आप 4G पे रखें, पर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए करते हैं तो 2G नेटवर्क लीजिए, इससे बैटरी लाइफ आपकी और अच्छी होगी। और मैं आखिरी में भी कहना चाहूँगा यही कि जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो फ्लाइट मोड पे करके देखिए, आपकी बैटरी दुगने तेज़ी से चार्ज होगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है Xiaomi के डिवाइस में, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, इसमें दिख तो नहीं रहा होगा, देखिए मोबाइल नेटवर्क यहाँ थोड़ा स्टॉप हुआ है, मोबाइल नेटवर्क में मेरे देखिए वो चार्जिंग टाइम है, तब मैं फ्लाइट मोड पे करके चार्ज करता हूँ, तो इसलिए ये है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए
थैंक यू। इसमें कुछ एनिमेशन तो नहीं था, पर मैंने आपको सिर्फ बताया है, तो इसलिए आपको ये वीडियो बुरा लगा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता एनिमेशन कैसे किया जाता है, पर कुछ दिनों में मैं सीख के आपको एनिमेशन के साथ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।